एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ वर्षा। आज मैं मेथी और मक्के की बिरयानी बनाने वाली हूँ। आप लोगों ने तो मेथी की सब्जी, मेथी के पराठे, मेथी दाल खाई होगी, लेकिन मैं आज बिरयानी बनाने वाली हूँ उसके साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है, तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या लगता है। यहाँ पर मैंने एक कप मेथी ली है, उसको वॉश करके उसके जो हरे पत्ते रहते हैं वो निकाल के बारीक बारीक कट किया है। आधा कप मक्का दाना लिया है, यहाँ पर फ्रेश दाना है। और यहाँ पे दो प्याज लिया था, उसको लंबे लंबे पीसेस में कट किया है। तीन से चार हरी मिर्ची ली थी, उसे बीच में कट कर लिया है। एक टमाटर लिया था बड़ा, उसको बारीक कट किया है बारीक पीसेस में। दो कप बासमती चावल लिया था मैंने, उसको 15 मिनट पहले दो बार पानी से अच्छे से वॉश करके भिगो के रखा था। यहाँ पे एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच बिरयानी मसाला, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, तेल लगेगा, आप इसे घी के साथ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, सूखे मसाले, जैसे तेज पत्ता, ये चक्रफूल है, आधा चक्रफूल लिया था उसका मैंने। और यहाँ पे दालचीनी है, एक चम्मच शाही जीरा, इलायची 4 से 5, लवंग 4 से 5, यहाँ पे 4 से 5 मैंने काली मिरी ली है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया और आधा कप मैंने दही लिया है। तो बनाते हैं बिरयानी। ये बिरयानी मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके कुकर रख दिया है, तेल डालेंगे 4 से 5 चम्मच। तेल गर्म होने के बाद शाही जीरा और जो खड़े मसाले थे, लवंग, इलायची, दालचीनी, वो सब डाल देंगे। तेज पत्ता मिक्स करना है, फ्राई करना है। उसके बाद जो हरी मिर्ची थी, प्याज था, वो डाल देंगे। प्याज को ब्राउन कलर का होने देना है, तब तक भूनना है अच्छे से। प्याज ब्राउन कलर का हो चुका है, अभी उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद गरम मसाला, बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे एक बार। अभी उसके बाद टमाटर डाल देंगे। टमाटर को 1 मिनट तक भूनना है अच्छे से। टमाटर को भून लिया है मैंने अच्छे से। अभी गैस को मैं कम कर दूंगी और उसमें दही डालूंगी। जब भी हम दही डालते हैं तो गैस कम करना चाहिए, नहीं तो दही फट जाता है। अभी दही को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक होने दूंगी, भून लूंगी अच्छे से सब मसालों के साथ। अभी इसमें हम मक्का और मेथी डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट भून लेंगे अच्छे से। मैंने मक्का और मेथी को मसालों के साथ भून लिया अच्छे से। अभी इसमें मैं चावल डाल दूंगी जो भिगोए होते मैंने। और इसमें मैंने चावल 2 कप लिया था, तो मैं कुकर में बिरयानी बना ली हूँ इसलिए पानी में 2.5 कप डालने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालेंगे तो चावल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए 2.5 कप डालूँगी। डाल दिया है 2.5 कप पानी, अभी एक बार मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और अभी इसमें हरा धनिया और नमक डाल देंगे और लास्ट में एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी कुकर का ढक्कन लगा दूंगी मैं और मीडियम फ्लेम पे 2 विजिल आने तक ही पकाऊंगी। चावल मैंने 10-15 मिनट पहले ही भिगो के रखा था, तो पकने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएंगे चावल। तो मीडियम फ्लेम पे 2 विजिल आने तक, फिर गैस बंद कर देंगे।
कुकर की दो विजिल हो चुकी है, अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है। कुकर पूरा ठंडा होने के बाद मैं उसे खोलूंगी। कुकर की भाप निकल चुकी है, ठंडा हो चुका है, अभी उसको ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं बिरयानी अच्छे से बनी है। देखो सेपरेट सेपरेट हुए चावल अच्छे से, इसलिए ज़्यादा कुक नहीं करना है उसे। अभी एक अच्छे से बाउल लेके उसे निकाल देते हैं, परोसते हैं। आप ज़रूर इसे बनाइए, बहुत ही स्मेल अच्छा आ रहा है उसका। रेडी है मेथी मक्के की बिरयानी। आप इसे दही रायता के साथ खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।